हाय गाइस मैं हूं डॉक्टर ताने इस दुबे डर्माटोलॉजिस्ट और आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो एच वैक्सीन है और सर्वाइकल कैंसर है ये एक्चुअली में होता क्या है एंड क्या वैक्सीन एक्चुअली किसी कैंसर को प्रिवेंट कर सकती है सो लेटेस्ट बजट अनाउंसमेंट में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिसेस निर्मला सीतारामन उन्होंने अनाउंस किया था गवर्नमेंट विल बी प्रमोटिंग एचपीवी पी वैक्सीन फॉर गर्ल्स एज्ड फ्रॉम नाइन टू फोर्टीन इयर्स एंड उसके बाद आपने देखा होगा कि थ्रू पी आर स्ट्रेटेजी पूनम पांडे ने अपनी डेथ फेक की थी ड्यू टू सर्वाइकल कैंसर टू क्रिएट अवेयरनेस अब वो तरीका सही है या गलत है उसको छोड़ के हम ये बात करते हैं कि ये होता क्या है एच पी वी सर्वाइकल कैंसर क्या ये एक्चुअली में कॉज करता है और क्या सच में कोई वैक्सीन है जो सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकती है और अगर कर सकती है तो कितना परसेंट प्रिवेंट कर सकती है सो so, एच का फुल फॉर्म है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसके कुछ स्ट्रेन कार्सिनोजेनिक होते हैं और वो सर्वाइकल कैंसर करा सकते हैं सर्वाइकल कैंसर यूट्रस के सर्विक्स पार्ट में हो सकता है जो कि एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड इट कैन बी हार्मफुल एंड इट कैन बी लीथल एज वेल इनफैक्ट इंडिया में सर्वाइकल कैंसर सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर भी कहा जाता है अब ये तो पता चल गया कि एच क्या है और वो कराता क्या है अब ये जानते हैं कि वैक्सीन से क्या इसको प्रिवेंट किया जा सकता है तो ये इस वैक्सीन से इसको ट्रीट करने से बेहतर है कि हम इसको प्रिवेंट करें और ये वैक्सीन एच वैक्सीन कहलाती है इसके थ्री वेरिएंट्स अभी अवेलेबल हैं इंडिया में फर्स्ट इज सर्वरिक्स जो टू टाइप्स ऑफ एच पी वी स्ट्रेन से प्रोटेक्ट करती है सेकेंड इज गार्डसल फोर जो कि फोर टाइप्स ऑफ एच पी वी स्ट्रेन से प्रोटेक्ट करती है एंड द थर्ड इज गार्डासिल नाइन जो नाइन टाइप्स ऑफ एच पी वी स्ट्रेन से प्रोटेक्ट करती है द बेस्ट आउट ऑफ देम इज गार्डासिल नाइन अब बात आती है कि ये किस एज ग्रुप को लेना चाहिए सो नाइन टू फोर्टीन ईयर्स ऑफ एज के फीमेल्स को स्पेशली एंड बॉयज को भी ये वैक्सीन लगवानी चाहिए अगर आपका बच्चा नाइन टू फोर्टीन एज ग्रुप्स में है तो उसको यूजुअली दो वैक्सीन लगती हैं, एक अभी लगेगी और एक छह महीने बाद लगेगी अगर आप फिफ्टीन से 45 फाइव एज ग्रुप्स के हैं तो आपको थ्री डोजेस लगेगी वन अभी लगेगी नेक्स्ट डोज जो होगी वो एक से दो महीने बाद लगा सकते हैं और तीसरी डोज सिक्स मंथ में लगा सकते हैं द बेस्ट टाइम जब आप इस वैक्सीन को लगाएं तो सेक्सुअल एक्टिविटी लाइफ में स्टार्ट होने के पहले लगाएंगे तो ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन देती है बट अगर किसी की सेक्शुअल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है और उसने वैक्सीन नहीं ली है फिर भी इट्स बेटर टू टेक द वैक्सीन रादर देन नॉट टेकिंग इट ये वैक्सीन अपन टू नाइनटी एट परसेंट तक प्रोटेक्शन देती है फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर गर्ल्स का तो पता है सर्वाइकल कैंसर बट मैंने कहा मेल्स को भी देना है तो मेल चाइल्ड को क्यों देना है क्योंकि ये वैक्सीन ओरल थ्रोट कैंसर पीनस कैंसर एंड एनल कैंसर को भी प्रिवेंट करती है इन फ्यूचर ये वैक्सीन वार्ड्स के लिए भी बहुत यूजफुल होती है जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होते हैं इसलिए ऑफ योर जेंडर यू शुड गेट दिस वैक्सीन ये वैक्सीन एक्चुअली में इतनी अच्छी और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है मैक्सिमम साइड इफेक्ट हो सकता है जिस साइट में आपने इंजेक्शन लिया है यूजुअली लेते हैं लाइक आर्म्स में ले सकते हैं थाइज में में हिप्स ले सकते हैं मैक्सिम uh, थोड़ी सी रेडनेस रह सकती है सोरनेस रह सकती है एक दो दिन पेन रह सकता है बट माइल्ड नथिंग दैट इज नॉट टॉलरेबल बट हां कैंसर से प्रिवेंट करने के लिए हम इतनी सोरनेस तो टॉलरेट कर ही सकते हैं अगर आपने पहले एचपीवी वैक्सीन लगवाई है पांच साल दस साल पहले और आपके से दोबारा लेना चाहिए तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हैं Post five years, की एफिकेसी थोड़ी कम हो सकती है तो तब अगर आपने जो भी वैक्सीन ली हो अभी आप गार्डासन ले सकते हैं फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन अबाउट द that it वैक्सीन आई people फिर भी कोई डाउट होगा तो आप comment सेक्शन में पूछ सकते हैं Also, before going, share this video with as many people as possible to spread awareness about HPV virus, cervical cancer, and HPV vaccine.